डीडीयू विश्वविद्यालय में ईवीएम मशीन के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम पर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि जनपद में गुरुवार को 9 विधानसभा का चुनाव था तथा देर रात सभी पोलिंग पार्टियां मतदान कराकर ईवीएम मशीन के साथ डीडीयू में आ गई थी और उन सभी 9 विधानसभा के ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में सील करके रखा गया है, जिसके लिए 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें कि एवर क्वार्डर, आइसोलेशन क्वार्डर और आउटर क्वार्डर है, जिसको देखते हुए सिविल पुलिस केंद्र सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। यह सुरक्षा 10 मार्च को होने वाले मतगणना के दिन तक रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, इनके लिए सब हो जाए ना, ये मोटरसाइकिलों का आवाज है ना, बाहर से देख करके वापस आ जाए। हाँ, और कोई ऐसी बात नहीं है कि बैठ करके भाई, ये तो सर पर देख लिया है। दूसरा बात है, उनकी उपस्थिति में कमरा बंद हो गया है, बस एक काम देखते हैं, कोई दूसरा आदमी देखिए। 9 विधानसभाओं में जो चुनाव हुए उसको सारी पोलिंग पार्टियां आ गई थी और सब लोगों को अभी स्ट्रांग रूम्स में सील कर दिया गया है और डबल लॉक के साथ उनको रखा गया, और इसके लिए हम लोगों ने 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई है, जिसमें कि इनर कॉर्डन है, आइसोलेशन कॉर्डन और आउटर कॉर्डन है। तो इसमें ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, जिसमें CFPF, सिविल पुलिस, इन सबकी ड्यूटियाँ लगाई गई। सर कब तक रहेगी ये सुरक्षा? जो है काउंटिंग तक रहेगी, और जब काउंटिंग हो जाएगी, जो आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, तब तक ये सुरक्षा बनाई जाएगी। सर मतदान मतगणना वाले दिन भी सुरक्षा रहेगी? मतगणना वाले दिन भी ये सुरक्षा रहेगी।